आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बल्लेबाज विधायक आकाश विजयवर्गीय हुए रिहा, समर्थकों ने चलाई गोली। प्रधानमंत्री मोदी ने की मन की बात, लोगों से कहा स्वच्छता की तरह जल संग्रहण को अभियान बनाएं। रामविलास पासवान राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए, रविशंकर प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुई थी ये सीट। छत्तीसगढ़ में पीएल पुनिया की नसीहत, मंत्री सुधारे अपना परफॉर्मेंस नहीं तो जा सकती है कुर्सी। और आकाश विजयवर्गीय विवाद में कूदी राखी सावंत, कहा कुछ बीजेपी नेता के बेटे पावर दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। भोपाल की स्पेशल कोर्ट से शनिवार को जमानत मिलने के बाद बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र विधायक आकाश विजयवर्गीय को रविवार सुबह जेल से रिहा कर दिया गया। बड़ी संख्या में समर्थक सुबह रिहाई के दौरान उनसे मिलने पहुंचे। विधायक आकाश ने जेल से निकलने के बाद कहा कि क्षेत्र की जनता के लिए हम आगे भी काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा जेल में समय अच्छा बीता। जेल से रिहाई के बाद आकाश विजयवर्गीय सीधे भाजपा कार्यालय गए और इसके बाद अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने पर वहां उनका फूल माला और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक रमेश मेंदोला भी मौजूद रहे। इसके साथ आकाश विजयवर्गीय का दिन भर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बिताने का कार्यक्रम बना। आकाश का कहना है कि 5 दिन पहले अतिक्रमण हटाने के नाम पर नगर निगम के लोग महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे, जिस कारण उन्हें गुस्सा आ गया। आकाश ने कहा कि वह अपना पूरा समय अपने क्षेत्र को देंगे और वहाँ के लोगों के दुख दर्द कैसे दूर हों इसका प्रयास करेंगे। मुझे तो उसकी जानकारी अभी नहीं है, पता लगाते हैं फिर। बाकी तो आपको घटना की जानकारी है ही। अब उम्मीद है पूरे क्षेत्र का, शहर का विकास अच्छे से करेंगे। जन जनहित के लिए, लोगों के जीवन में सुख समृद्धि शांति हो, क्षेत्र का विकास हो, गरीबों के साथ न्याय हो, उसके लिए जैसा कि मैंने बताया कि हमारा एक एक पल एक एक कण लगे इसका प्रयास था है। और नहीं, बिल्कुल नहीं, जेल का जेल के अंदर भी बहुत अच्छा समय बीता। अच्छा नगर निगम अधिकारियों से मारपीट करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने के मामले में आरोपी भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को भोपाल की विशेष अदालत ने शनिवार को जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए। सांसदों विधायकों के खिलाफ प्रकरण की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत ने दोनों मामलों में सुनवाई की। अदालत ने कहा कि केस डायरी में जर्जर मकान खतरनाक होने के दस्तावेज नहीं मिले हैं, जांच भी पूरी हो चुकी है। विधायक को पहले मामले में 50,000 और दूसरे मामले में 20,000 रुपए की जमानत व बंद पत्र दिए जाने पर छोड़ने के आदेश दिए गए। विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने विधायक विजयवर्गीय के दोनों जेल रिलीज ऑर्डर भी एमजी रोड पुलिस अधिकारियों को सौंप दिए। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को निगम अधिकारी की पिटाई मामले में जमानत मिलने के बाद भाजपा समर्थक ने शाम नेहरू नगर स्टेडियम के सामने स्थित विधायक कार्यालय पर हवाई फायर किए। कार्यालय के बाहर 5 फायर किए गए। निगम अधिकारी की पिटाई मामले में आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिलने के बाद विधायक समर्थकों का उत्साह इस कदर बढ़ गया था कि समर्थकों ने विधायक कार्यालय के सामने ही हवाई फायर कर डाले। आकाश समर्थकों के कार्यालय के बाहर 5 फायर किए, जिसमें क्षेत्र में सनसनी फैल गई। विधायक को जमानत मिलने के बाद समर्थकों की खुशी सर चढ़कर बोल रही थी। समर्थकों ने बगैर सोचे समझे एक के बाद एक 5 गोलियां चला डाली, जिससे पूरा आसमान गूंज गया और निकलने वाले धुएं को आसमान में देख लोग भी घबरा गए। रविवार करीब 4 महीने के बाद मोदी ने मन की बात की। मन की बात में मोदी ने कहा, पानी पारस का रूप है, पानी की एक एक बूंद को बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। फिल्म जगत, मीडिया, कथा कीर्तन करने वाले लोग सभी अपने अपने तरीके से पानी को बचाने के लिए अभियान चलाएं। मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। यह
मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला मन की बात कार्यक्रम था। इस दौरान मोदी ने कहा, ये देश और समाज के लिए आईने की तरह है। ये हमें बताता है कि देशवासियों के भीतर अंदरूनी मजबूती, ताकत और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। मन की बात में चिट्ठियां और संदेश बहुत आते हैं, लेकिन शिकायत बहुत कम आती है। देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं कितनी ऊंची हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के बाद भी लोग अपने लिए कुछ नहीं मांगते। जब चुनाव से पहले मैंने कहा था कि चुनाव के बाद फिर मन की बात में फिर मिलेंगे, तो लोग कहते थे मोदी को इतना भरोसा कैसे है। यह भरोसा मेरा नहीं, आप लोगों का था। दरअसल मैं वापस आया नहीं हूं, बल्कि आप लोग मुझे वापस लाए हैं। मोदी ने कहा, जब भारत में आपातकाल लगाया गया तो उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे में ही नहीं किया गया, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, आंदोलन में सिमट नहीं गया था, बल्कि जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया था। देश और समाज के लिए एक आईने की तरह है, यह हमें बताता है कि देशवासियों के भीतर अंदरूनी मजबूती, ताकत और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जरूरत है उन मजबूतियों और टैलेंट को समाहित करने की, अवसर प्रदान करने की, उसको क्रियान्वित करने की। मन की बात ये भी बताता है कि देश की तरक्की में सारे 130 करोड़ देशवासी मजबूती और सक्रियता से जुड़ना चाहते हैं। और मैं एक बात जरूर कहूँगा, मन की बात में मुझे इतनी चिट्ठियाँ आती हैं, इतने टेलीफोन कॉल आते हैं, इतने संदेश मिलते हैं, लेकिन शिकायत का तत्व बहुत कम होता है। और किसी ने कुछ मांगा हो, अपने लिए मांगा हो, ऐसी तो एक भी बात गत 5 वर्ष में मेरे ध्यान में नहीं आई है। मोदी ने कहा, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के लोग उन मुद्दों के बारे में सोच रहे हैं जो न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य के लिए भी बड़ी चुनौती है। जो भी पोरबंदर के कीर्ति मंदिर जाए, वो उस पानी के टांके को जरूर देखे। 200 साल पुराने उस टांके में आज भी पानी है और बरसात में पानी को रोकने की व्यवस्था है। ऐसे कई प्रकार के प्रयोग हर जगह पर हम करेंगे। जल की महत्ता को सर्वोपरि रखते हुए देश में नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। इससे पानी से संबंधित सभी विषयों पर तेजी से फैसले लिए जा सकेंगे। मेरा पहला अनुरोध है, जैसे देशवासियों ने स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दे दिया, आइए वैसे ही जल संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत करें। रामविलास पासवान राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसके साथ ही उनकी लोक जनशक्ति पार्टी का राज्यसभा में खाता खुल गया। पासवान से पहले इस सीट से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद राज्यसभा में थे। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख राम विलास पासवान शुक्रवार को निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुन लिए गए हैं। इसके साथ ही राज्यसभा में पासवान की पार्टी का खाता फिर से खुल गया है। विधानसभा के सचिव और निर्वाचन अधिकारी बेटेश्वर पांडे ने पासवान को प्रमाण पत्र प्रदान किया। पासवान का कार्यकाल अप्रैल 2024 तक रहेगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद राज्यसभा की यह सीट खाली हुई थी। पासवान को प्रमाण पत्र दिए जाने के में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और श्रम नियोजन मंत्री विजय सिन्हा के अलावा बिहार सरकार के कई मंत्री भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने राज्य सरकार में काम कर रहे मंत्रियों को बेहतर परफॉर्मेंस देने की नसीहत दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जिन्हें मंत्री बनाया गया है, अगर वे अपनी कार्य प्रणाली में बेहतर सुधार कर पाने में असमर्थ रहते हैं तो उनकी कुर्सी भी जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कोई भी मंत्री यह न सोचे कि यह कुर्सी उन्हें पूरे 5 साल के लिए मिली है। अगर परफॉर्मेंस सही नहीं रहा तो वे कार्यकाल से पहले भी मंत्री पद से हटाए जा सकते हैं। रायपुर में पुनिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली थी। भूपेश बघेल के नेतृत्व में बूथ स्तर तक लोगों ने मेहनत की थी। मंत्रिमंडल का गठन हुआ, एक सीट खाली थी, वो अमरजीत भगत को मिली। वो बहुत जुझारू वरिष्ठ कांग्रेस जन है, 4 बार के विधायक है, उन्हें मौका मिला। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मोहन मरकाम को मौका मिला। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार है कि वो किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाए। उन्होंने लोगों से मुलाकात की और उसके बाद फैसला लिया। उन्होंने ये भी कहा कि जिन्हें मंत्री बनाया गया है, अगर वे अपनी कार्यप्रणाली में बेहतर सुधार कर पाने में असमर्थ रहते हैं तो उनकी कुर्सी जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी मंत्री यह ना सोचे कि यह कुर्सी उन्हें पूरे 5 साल के लिए मिली है।
कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा, धर्मेंद्र साहू और अमितेश शुक्ल की भूमिका को लेकर पुनिया ने कहा कि उनकी भूमिका भी तय की जा रही है। ऐसा नहीं है कि मंत्री 5 साल के लिए बनाए गए हैं, इनका परफॉर्मेंस देखा जाएगा। साल भर बाद इनके परफॉर्मेंस की समीक्षा की जाएगी। तय पैमाने पर जो मंत्री खरे नहीं उतरेंगे उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा, आप लोगों को लंबा काम करना है, हमारा तो पता नहीं। इससे साफ जाहिर होता है कि कई खेमों में बड़ी कांग्रेस में अपने पद को लेकर मंत्री भी आशंकित हैं। इस समय कांग्रेस सरकार में 3 प्रमुख गुटों में से 2-2 मंत्रियों को हटाने की चर्चा है। 6 मंत्रियों को हटाए जाने को लेकर हाईकमान को भी इत्तला कर दी गई है। ऐसे में सिंधिया खेमे के मंत्री सबसे ज्यादा परेशान हैं। सामने भले ही कोई कुछ ना कह रहा हो, लेकिन गाहे बगाहे मंत्रियों का दर्द और उनकी शंका जुबान तक आ जाती है। भोपाल की प्रशासन अकादमी में आयोजित एक विभागीय कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की जुबान पर यह दर्द कुछ शब्दों के जरिए सामने आ गया। चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि आप लोग स्थायी हैं, आपको लंबे समय तक काम करना है, हमारा तो कुछ पता ही नहीं है। बहुत लंबे समय से इस विभाग में काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। मैं तो अभी जैसा भी चतुर्वेदी जी बता रहे थे, 25 दिसंबर से आप लोगों के विभाग में ज्वाइन किया हूँ, तो मुझे भी उस सत्ता हमेशा रहती है कि विभाग में क्या क्या होता रहा है और कैसा अच्छा और क्या कर सकते हैं हम इसमें इम्प्रूवमेंट, ऐसा मन में हमेशा मेरे आता रहता है। आप लोगों के लंबे समय से काम कर रहे हैं और आगे लंबे समय तक काम करेंगे, मेरा मुझे पता नहीं मैं कब तक रहूंगा और किसी को भी पता नहीं, आप लोगों को लंबे समय तक काम करना है। बल्ला लेकर नगर पालिका कर्मचारियों को धौंस दिखाने वाला भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष विवेक अग्रवाल जेल की हवा खा रहा है। नगर पालिका के कर्मचारियों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपित अग्रवाल के खिलाफ धारा 186 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है, जिसके बाद उसे आज सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। इससे पहले मामले को गंभीर मानते हुए दमोह कलेक्टर तरुण राठी ने नगर पालिका सीएमओ कपिल खरे को निर्देश दिए थे कि वह संबंधित आरोपी के खिलाफ कोतवाली में जाकर एफआईआर दर्ज कराएं। उसके बाद सभी नगर पालिका कर्मचारी और सीएमओ कोतवाली पहुंचे, जहां पर आरोपी के खिलाफ धौंस देने की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। इंदौर में भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने निगम अफसर को बैट से पीटा था। ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि दमोह से ये तस्वीर सामने आई थी, जहां विवेक अग्रवाल बल्ला लेकर लेखाधिकारी को धमकाने पहुंचा था। गुरुवार को ही भाजपा जिला मीडिया प्रभारी मनीष तिवारी ने इससे जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिसमें भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय द्वारा किए गए कृत का हवाला देकर एक मैसेज लिखा गया था कि जिसमें दमोह भाजयुमो उपाध्यक्ष भी अपने वार्ड के कार्यों के लिए नगरपालिका कर्मचारियों को बैठ के साथ चेतावनी दे रहा है। साथ में यह भी लिखा था कि पहले आवेदन फिर निवेदन और उसके बाद दे दनादन। शुक्रवार को भी विवेक अग्रवाल फिर से नगरपालिका पहुंचे, उन्होंने बैट भी थाम रखा था। शुक्रवार को इसका वीडियो भी वायरल हुआ। इसके बाद कलेक्टर हरकत में आए और सीएमओ को इस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को कहा, जिसके बाद वो जेल पहुंचा। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी खेत के सीमांकन के लिए किसान से कई दिनों से रिश्वत की मांग कर रहा था। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेकर सीमांकन करने वाले पटवारी प्रदीप मिश्रा को रंगे हाथों पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। भ्रष्टाचार की सीमा पार कर राजस्व विभाग के पटवारी और आरआई ने हद कर दी है। बताया जाता है कि अकोरी हलका के पटवारी प्रदीप मिश्रा ने वर्षों से किसानों को त्रस्त करके लाखों की लूट मचा रखी थी। अक्सर किसानों से किसी ना किसी काम के लिए पैसा लूटते रहते थे। शिकायतकर्ता प्रधान लाल सोनकर की शिकायत पर लोकायुक्त ने 20 सदस्यीय टीम के साथ प्रदीप मिश्रा के किराए के घर में
छापामार कार्यवाही करते हुए रंगे हाथ उधर दबोचा। 12-5 हज़ार क्या कह रहे थे? फैन कम से कम 10 हज़ार रुपया दो तक तुम्हारी सुना कर करेंगे। किस लिए मांगा गया था? सुना कर परवारी साहब। फिर इसके बाद सर बाद में हमने हाथ जोड़ा, बिल्कुल मांगा कि सर हम गरीब आदमी हैं, पैसे नहीं, हम कहाँ से दे पाएंगे, कई लोग दिन पैसे कम नहीं होंगे, मकान फिर तो सर मैं व्यवस्था कर लूँगा। फिर उसके बाद हमने कहा कि 5 हज़ार दे दूँ, मैं तुम्हारा काटना सुना था। ये पटवारी है जी, सीमांकन का कार्य कराने के लिए सीमांकन है, उनका शिकायत सत्यापन किया गया। शिकायत सत्यापन पर उन्होंने 5 हज़ार रुपये रिश्वत सीमांकन का सम्मान किया, जिस पर उनके लिए FIR काट दी गई और आज 29 तारीख को उनको 5 हज़ार रुपये देते हुए रंगहाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि खेत के सीमांकन के लिए 5 हज़ार पर पटवारी प्रदीप कुमार तैयार हुआ, जिसकी शिकायत मैंने लोकायुक्त में कर दी थी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जवा से ही RI सीमांकन के नाम पर 5 हज़ार की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, फिर भी इस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बिना डर के किसानों से कभी सीमांकन पे तो कभी नक्शा खसरा के नाम पर रिश्वत मांगते ही रहते। मानव तस्करी के संदेह में ट्रेन से 13 बच्चों को उतारा गया। इन बच्चों को बिहार से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। बच्चों को ले जाने के वाले व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। मानव तस्करी का एक और मामला सामने आया है। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर शालीमार कुर्ला हावड़ा एक्सप्रेस की बोगी नंबर S8 से 13 बच्चों को उतारा गया है। इन सभी बच्चों को एक व्यक्ति महाराष्ट्र के धामन गांव स्थित मदरसे में ले जा रहा था। उसने पूछने पर बताया कि सभी बच्चे बिहार के रहने वाले हैं। अब आगे की कार्रवाई RPF और GRPF कर रही है। करीब 8 हज़ार बजे की वाली हमसे सूचना मिला था कि आपका शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस में ऐसे एक बगल में कुछ बच्चे को ले जा रहा है जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो सकता है। इस आधार पर मैंने अपना GRPF को साथ में लेकर के वो गाड़ी में अरेस्ट किया और 13 बच्चे को डॉक्टर कब्जे से उतारा हूँ और उतर करके यहाँ लाए। लाने के बाद में जो नियम है वो प्राथमिक जाँच किया हूँ, प्राथमिक जाँच में पूछताछ किया हूँ। ये सभी बच्चे बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के हैं और इनको उनके जो लेकर जा रहे हैं उनके कर्फ्यू अनुसार यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में कहीं ले जा रहा है मदरसा में। आगे की जाँच इसी गलती से करेंगे। अगवा तो नहीं कर रहा है वो, 112 में 100 इसमें इसमें जो है पुलिस में उनका ऐसी खबर कर देता है चलते चलाते। और फिर बेचारे पुलिस वाले भी क्या करेंगे, वो भी मजबूर होते हैं भाई जरा पता तो किया जाए क्या है। अभी रिजर्वेशन छुटा बच्चे जा रहे हैं और ये मौसम है उनका जाने का, मदरसा खुलने का रमज़ान के बाद में, रमज़ान के 20 दिन बाद में करीब करीब मदरसा खुल जाता है, स्कूल खुल जाते हैं, तो उसमें जो है बच्चे जाते हैं। अब ये बच्चे जब वो जा रहे हैं तो रास्ते में जो है कोई कुछ भी थोड़ा सा जो भी ये बोलो दुश्मनी से बोलो या मोहब्बत में बोलो, नफरत में बोलो या प्यार में बोलो, वो जो है उनको पुलिस को फोन कर दे रहा है, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कंट्रोल रूम रायपुर ने इसकी सूचना GRPF को दी थी। इस पर ट्रेन के दुर्ग स्टेशन पहुंचने GRPF ने बोगी S8 की तलाशी ली, जहां से 13 बच्चे मिले। सभी 13 बच्चे पूर्णिया बिहार के रहने वाले हैं। आरोपी सभी को धमन गांव महाराष्ट्र ले जा रहा था। GRPF थाना प्रभारी ने बताया कि इसकी सूचना चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी एवं महिला बाल आयोग को दे दी जा चुकी है। डांसर और टीवी आर्टिस्ट राखी सावंत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन BJP के कुछ नेता और उनके बच्चे अपना पावर दिखाने से बाज नहीं आते, ये अच्छी बात नहीं है। राखी का निशाना इंदौर के विधायक आकाश विजयवर्गीय पर था। राखी इंदौर में मीडिया से बात कर रही थी। राखी सावंत ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम के तरीके को लाइक करती हैं। मोदी रॉक्स करके उन्होंने कहा कि अगले 20 साल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी के आने से महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं, विकास के मामले में भी बहुत काम हुआ है। मीडिया कर्मियों ने राखी से जब विधायक बेटे आकाश विजयवर्गीय की हरकत को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा BJP सरकार अच्छी है, लेकिन कुछ नेता और उनके बेटे पावर दिखाते हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, BJP सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ नेता या उनके बच्चे होते हैं वो पावर दिखाते हैं। और मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं देश बनाने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे गंदा पावर दिखाते हैं, दोस्त जमाते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक यूथ रहना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे गरीबों पर ऐसे अत्याचार नहीं करने चाहिए।
एंड अभी ये 5 साल मिले हैं और 10 साल हुए हैं, आगे के 20 साल भी उन्हीं के हैं, मोदी जी को कोई रोक नहीं सकता। और वो उनके आने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व हुए हैं और महिलाएं सुरक्षित हैं और काफ़ी विकास हुआ है। राखी ने बताया, मुझे फिल्मी दुनिया में बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। कई लड़कियां होती हैं जो 1-2 साल में हिम्मत हार जाती हैं। इन्हें हर परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरा बचपन गरीबी में बीता, 5 साल के संघर्ष के बाद मुझे सफलता मिली। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी में रहती हैं, जब भी कुछ बोलती हूँ तो बवाल मच जाता है। इस बारे में कहना चाहती हूँ कि मैं डरने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। अब जब लड़के बोल सकते हैं तो लड़कियों को बोलने का अधिकार क्यों नहीं है। 4 दिन से लापता संतोष पटेल के परिजनों ने IG रीवा को ज्ञापन देते हुए संतोष के अपहरण की आशंका जताई है। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 24 घंटों के अंदर संतोष का पता नहीं चलता है तो वह IG ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। रीवा के सुंदरनगर निवासी संतोष पटेल के परिजनों ने IG को ज्ञापन देते हुए अपहरण की आशंका जताई। परिजनों ने बताया कि बीते 24 जून की सुबह संतोष घर से बाहर गया था। शाम तक जब वो घर नहीं लौटे तो घर वालों ने फोन लगाना शुरू किया, लेकिन उनका फोन बंद मिला, जिसके बाद अगले दिन परिवार वालों के द्वारा विश्वविद्यालय थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बताया जा रहा है कि संतोष पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी का काम करता था तथा पिछले कुछ दिनों से साझेदारों से पैसों को लेकर विवाद भी चल रहा था, को लेकर वह काफी परेशान था। ये बोल के कि मैं 2 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा। 12:12 में मेरे ही नंबर पे कॉल किया गया है। वो फोन किए हैं कि मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, जीप मिल गई है, मैं 2 घंटे बाद वापस आ जाऊंगा। उसके बाद दोपहर से हम लोगों ने फोन लगाने स्टार्ट किया है, उनको फोन नहीं लगा, फोन कंटिन्यू 5 दिन से स्विच ऑफ आ रहा है और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। हमें आज भी परसों के लिए बोला गया कि कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आज तक कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिली। क्या ऐसा है कि BSNL का नंबर 1-1 हफ्ते तक 10 दिन का क्या कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी? तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, वेट करेंगे कि जब कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाए तब आगे की कार्रवाई हो। उनकी फोटो दी गई पुलिस थाने में, पूछताछ नहीं हुई। इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर बाईपास तक के लिए कई कैमरे हैं, वहाँ CCTV फुटेज नहीं देखा गया। अब ये क्या हमारा काम, हम जाके करेंगे कि पुलिस का काम है? पुलिस एक्शन लेगी तब ना वहाँ पर दिखाएंगे, हम लोग को तो नहीं दिखाएंगे डायरेक्टली। हम चाहते हैं कि किसी भी हाल में हमारे पापा घर वापस आएं जल्दी से जल्दी, ये काम पुलिस का है। संतोष के परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सही तरीके से जांच न करने का आरोप भी लगाया है। पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर ने कहा कि पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और जल्द ही पुलिस संतोष पटेल का पता लगाने में सफलता हासिल कर लेगी। इस संबंध में बातचीत करने पर जब मैंने थाने से बातचीत की तो थाने स्टाफ का कहना है कि लेन देन के मामले के कारण वो शायद व्यथित हैं। 2 लोगों का नाम बताया है जिनका पैसा उनके ऊपर बकाया है, परंतु परिवार वालों का कहना है कि पैसा इन्होंने दे दिया था और कुछ और बिंदु बता रहे हैं, जैसे कि मॉल में दुकान थी और उस मॉल के दुकान को किसी व्यक्ति को बेचा गया है, पर बेचे जाने के बाद जो है पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया है और 4 तारीख में कलेक्ट्रेट में कुछ लोगों के साथ देखा गया है। हम इन सब, चूँकि ये पहली बार आज लेकर के आए हैं यहाँ, तो हम इन सब बिंदु पे वर्कआउट कर रहे हैं। कई पीढ़ियों से राज परिवार से जुड़े पूर्व पार्षद कैलाश नारायण गुर्जर की धर्मपत्नी समाज सेवी पुष्पा देवी का राघोगढ़ में निधन हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित कई राजनेताओं, समाज सेवियों और अधिकारियों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। रिटायर्ड SO MPEB और पूर्व पार्षद कैलाश नारायण गुर्जर की धर्मपत्नी समाज सेवी पुष्पा देवी का गुरुवार को निधन हो गया। इसके चलते गुर्जर परिवार शोकाकुल है। पुष्पा देवी के निधन पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित राज परिवार ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। श्रीमती पुष्पा देवी का अंतिम संस्कार राघोगढ़ धीरापुर में किया गया। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। इटारसी से आए एक युवक ने भोपाल के 10 नंबर मेन मार्केट में पुलिस से बचने के लिए रिवर्स में 200 मीटर SUV दौड़ा दी, जिससे छतरपुर DIG की गाड़ी समेत 5 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आरोपी ने एक चाय की दुकान पर कुछ युवकों से मारपीट कर पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था। उससे पहले ही पुलिस ने घेराबंदी कर उसको दबोच लिया। हबीगंज पुलिस ने उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।
इटारसी के 23 वार्ड बालाजी मंदिर के पास रहने वाला 26 वर्षीय निक्की राजवंशी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वह इटारसी और टीटी नगर में रहने वाली दो युवतियों के साथ 10 नंबर मार्केट में चाय पीने आया था। वहां युवतियों के साथ कार में मौज मस्ती कर रहे थे, तभी वहां कुछ युवक खड़े थे। उनमें से किसी युवक ने निक्की के साथ बैठी एसयूवी में युवतियों पर फफ्तियां कसी। इस पर बात पर निक्की भड़क गया और युवकों के साथ विवाद करने लगा। निक्की ने एसयूवी में रखा बेसबॉल का डंडा निकालकर जैक नाम के युवक के सिर में मार दिया, जिससे उसका सिर फट गया। इसके बाद हंगामा हो गया। हबीबगंज थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सक्सेना ने कहा कि घटना के समय मैं इलाके में भ्रमण पर था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा तो निक्की ने भागने की कोशिश की। पुलिस घेराबंदी कर उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने रिवर्स में ही 200 मीटर एसयूवी को दौड़ा दिया, जिसमें डीआईजी छतरपुर अनिल महेश्वरी की इनोवा वाहन और 5-4 पहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें वह गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं निक्की की एसयूवी कार एक नाली में फंस गई, जिसके बाद वह फरार नहीं हो पाया। कार हम लोग मौके पर पहुंचे थे तो एक एसयूवी गाड़ी है ब्लैक रंग की, उसमें कोई कार से एक व्यक्ति है राजवंशी सरने में, तो उसके साथ में दो लड़कियाँ भी थी और उन लोगों ने यहाँ कोई झगड़ा कुछ लोगों से हुआ है। झगड़ा जिनसे हुआ है वो लोग अभी यहाँ पर हमें नहीं मिल पाए, तो उसके बाद उसने गाड़ी बैक की। हम लोगों ने उसको रोकने का प्रयास किया, राजवंशी को चला रहा था एसयूवी, तो उसने गाड़ी नहीं रोकी और उसने उसके बाद भगाने के चक्कर में, अपने आप को सेव करने के चक्कर में 4-5 गाड़ियाँ उसने जो है जो फोर व्हीलर्स हैं उनको डैश कर दिया। गाड़ियों में भी नुकसान हुआ है, अगर कोई घायल हुआ होगा तो अभी कोई व्यक्ति ऐसा आया नहीं है, अगर आएगा तो बेहतर रहेगा। घटना के समय आसपास के लोगों ने उसके पास एक पिस्टल से फायर करने की बात भी कही, लेकिन पुलिस को इसकी कार और आसपास इलाके में सर्चिंग की लेकिन कोई हथियार नहीं मिला। सीएसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि निक्की के खिलाफ डीआईजी छतरपुर अनिल महेश्वरी के चालक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके साथ है जर्जर भोपाली, जो आपको सुनाएंगे अपने ही अंदाज में भैरंड समाचार। नमस्कार, भैरंड समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, ये मानसून तो अभी तक आया नहीं, कोई एक हफ्ते से लोग बोले अभी आ रही है आ रही है। मैं अभी स्टेशन से आ रहा हूँ सीधा, वहीं खड़ा हुआ था। मैं रोज जा रहा हूँ 7 दिन से, मैं समझ में नहीं आ रही मेरे आ कैसे रहे, पैसेंजर से आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं। मैं अभी वहाँ बैठा बैठा इंतजार करते करते और फिर मेरे को समाचार पढ़ने तो मैं इधर आ गया, बता रहे हूँ। अब पता नहीं कब आएगा मानसून। वही देखो ये कि चेन्नई में इस बार पानी ने किया तेल का मचाया, पानी की कमी हो गई वहाँ भयंकर किस्म की, बता रहे हो बूंद बूंद को तरस गए लोग। और मैं बता रहा हूँ भोपाल वादी हो, पानी वानी ज़्यादा मत फैलाया करो, बता रही हूँ। ये सवाल के रखो पानी को, वहाँ से 220 किलोमीटर दूर थे बेल्लूर थे ना, टैंकरों से पानी लाना पड़ा चेन्नई, ये थी तो हालत हो जाती है, बता रहे हूँ। पानी की इज्जत करो। हाँ और भैया ग्लोबल वार्मिंग तो ऐसी वार्मिंग हो रही है, बता रही हूँ, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुई है, वहाँ मगरमच्छों के हमले बढ़ गए हैं, बता रही हूँ। हमले तो बढ़ेंगे ही भैया, जब पानी कम हो जाएगा बेचारे कहाँ जाएंगे, निकल के क्या हवा में रहेंगे मगरमच्छ, पानी में रहेंगे, तो ये तो अब चल गया है। और भैया अमेरिका और ईरान में तो ये जी ठंडी है, बता रहा हूँ। अभी मुझे तो लगता है अभी आकाश में ये जो मिसाइलें हैं ना, इधर से उधर से ये देखने को मिल सकता है, बता रहे हूँ। ये सब उनमरा है, इराक से जो युद्ध किया था अमेरिका ने, उस समय जो मिसाइलें देखने को मिली थी ना, वही स्थिति बन रही है, बता रहा हूँ। मैंने समझा लो इनको, पकड़ लो भैया, हाँ बहुत बुरा हाल हो रही है, बेहतरी गर्मी हो रही है। हाँ भैया खबर ये सुन लो, मध्य प्रदेश से नीमच की जेल जो है वहाँ से 4 कैदी फरार हो गए, बताओ। वो 22 फीट ऊंची दीवार कूद कूद के भाग गए। मैं बता रहा हूँ पुलिस तो दूसरे काम में बिजी है, ये चेकिंग कर रही है, हेलमेट और पैसे वैसे उगा रही है, बता रही हूँ। ये तो चल रहा है, दूसरे लोगों को परेशान कर रही है, ये इनमें लगे वो लोग, ये जो कैदी है उनको तो बचाओ। हाँ ये खबर देख लो तबादलों वाली, एक मेरे फ्रेंड है उनका अभी ट्रांसफर हो गया, अधिकारी है, और वो गए भैया सामान वामान पैकिंग करके अपने यहाँ ट्रांसफर हुआ था, वो पहुँचे। वो भैया जहाँ पहुँचे वो फिर दौड़ते हुए उनको घर जाना पड़ा, उनकी बीबी ने वो पैकिंग वैकिंग खोलना शुरू कर दी। उन्होंने कहा अरे भैया अभी मत खोलो, रुक जाओ, मेरा दोबारा था फिर से ट्रांसफर हो गया। ये तो चल गया है। और न्यूजीलैंड में चुनाव हो रहे हैं भैया, और मैं बता रही हूँ वहाँ पे हैं जो आलती वोटर हैं उनके लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। आप मॉल जा रहे हो, सुपर स्टोर जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, वहाँ पे एक बॉक्स रख दिए जाएंगे, उसमें अपना वोट डाल दो। ये ऐसा इंतजाम यहाँ भी होना चाहिए, बता रहा हूँ, यह भी बहुत आलतियों की कमी नहीं है, बता रही। और अफगानी पठानों ने भैया इंडिया वालों को निपटा दिया होता भाई, क्रिकेट मैच में भी नेक टू नेक ऐसा भद गया, पसीने छोड़ गए इनके जीतने में, बता रही हूँ। हल्के में मतलब भैया किसी को बता रही हूँ, वर्ल्ड कप है ये, हाँ कौन कब चल जाए क्या चल जाए। अभी अगला मैच हो रही है वेस्ट इंडीज से, लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं, इनको भी हल्के में मत लेना, बता रही हूँ। और अभी विराट कोहली का फोन आ रही है, हमें मेरे को प्रैक्टिस कराने जाना है उनको, तो ये नमस्कार मैं जा रही हूँ।
देख रहे हैं दखल न्यूज़।